के लिए हमने जीएमबीएचएल को नहीं नहीं वो तो कई सारी लाइन होगी, इसमें डॉट और न्यूज सिंगल लाइन नहीं होगी। ये तो कभी मिलेगा नहीं किसी को, नहीं इसका नंबर बिजी रखा होगा, कितनी लाइन रखे नहीं, इसमें कितना लाइन है, इस नंबर की कितने लाइन है, एक ही लाइन तो बिजी रहेगा, मतलब अगर ये आपको कम से कम 100 डे लगेगा तो इतना मतलब आपको रखना पड़ेगा, तभी जा सकते हैं आपको मिल पाए। सिस्टम आपने अच्छा बनाया लेकिन इसको कोई ना रेगुलेट नहीं किया। नहीं सर, हमारे पास दिन में ना कम से कम 20-15 कंप्लेंट्स आती है। ठीक है, कोई बेचारा लकी है लगे दो मिनट से तो मिला रहा हूँ मैं वही ना, आप मिलाते रहिए तो पूरे दिन में तो उतनी आप उसी को मान दो कि इतनी कंप्लेंट है, 200 के लगभग 200 के लगभग ये पहली रिव्यू मीटिंग थी आज हमारी, जिसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हृदेश कुमार सिंह साहब भी इसमें थे, और मुझे लगता है कि तमाम ऑफिसर्स जम्मू प्रोविंस के एट द एग्जिन लेवल हमने यहाँ पे बुलाए थे। एक तो हमारा ये इंट्रोडक्शन एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी थी, लेकिन साथ साथ हमारे सामने जो समर्स की चैलेंज है जम्मू टाउन को लेके, जम्मू शहर को लेके, या इसके इर्द गिर्द जो गर्मियों में हमारे शहर हैं जहाँ पे हमें बिजली की बहुत ही किल्लत रहती है और एक आम इंसान को गर्मी का बहुत ही सामना करना पड़ता है, इसके लिए क्या मेयर्स क्या स्टेप्स उठाने पड़े उनकी यहाँ पे चर्चा हुई। और हमारा टारगेट है कि बिजली कर्टेलमेंट को कम किया जाए और आने वाले दिनों में इसको बिल्कुल ही कट कर्टेल शब्द को ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की डिक्शनरी से निकाल दिया जाए। इसके लिए हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, उनकी यहाँ पे डिस्कशन हुई। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जितने भी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जो हमने ऑगुमेंटेशन रिप्लेसमेंट नई इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है वो यहाँ पे हमने डिस्कस की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा इनकलाब इस पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आएगा। बहुत ज़्यादा काम पिछले 2-3 सालों में हुआ है। हमारे एक्स डिप्टी सीएम साहब आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने बहुत इसमें काम किया है, अभी मुझे थोड़ा सा इसको और स्पीड अप करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी सुविधा मिलेगी। सर, बात किया आपने हेल्पलाइन की और क्विक रिएक्शन टीम की, जो जहाँ भी कहीं ट्रांसफार्मर या जलते हैं या कुछ भी होता है, तो ये जो दो तीन इनिशिएटिव्स इस मीटिंग में हमने लिए, एक पूरे जम्मू कश्मीर में स्टेट में एक हेलो मिनिस्टर के नाम से हम एक नंबर रखेंगे, कहीं पे एक आम इंसान को जहाँ पे इसको कंसर्न ऑफिसर चाहे जूनियर इंजीनियर हो चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, वो इमीडिएट उस नंबर पे कॉल कर सकता है, उसको डायरेक्ट मिनिस्टर रेस्पॉन्ड करेगा। और हमारी जम्मू टाउन में अभी हम QRT क्विक रिएक्शन टीम बना रहे हैं, चाहे कहीं पर ट्रांसफार्मर सड़ जाता है
है, कहीं पे फॉल्ट आता है, कहीं पे तार गिरती है, वो क्विक रिएक्शन टीम जो डायरेक्ट संपर्क में हेलो मिनिस्टर के नंबर से रहे के साथ रहेगी, वो QRT उस कंसर्न एरिया में कंसर्न ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उस दुविधा को दूर करेंगे, चाहे ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने की बात है, चाहे कहीं पे वायर गिरने की बात है, उसको रेस्टोर करने की बात है, ये सारी चीज़ें जो है हम इमीडिएट लागू करने जा रहे हैं। सर, गर्मी आने वाली है, किस तरह की तैयारी है डिपार्टमेंट की, क्योंकि लोड जो है वो ज़रूर पड़ेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो हमारी सप्लाई है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं, उसमें केवल एक कारण नहीं है, कोई लीकेज है, कोई पिलफ्रेज है, कोई ट्रांसमिशन की बात है, कहीं पे ऑगमेंटेशन की बात है, ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी 24 घंटे जम्मू वासियों को गर्मियों में और कश्मीर वासियों को सर्दियों में 24 घंटे हम बिजली दें। आप मीडिया वालों का साथ रहा, आम जनता का साथ रहा, हमारे कार्यकाल में ही, हमारे टेन्योर में ही आप देखेंगे कि राउंड द क्लॉक हम बिजली देंगे और जिससे यहाँ पे गर्मियों में, वहाँ पे सर्दियों में लोगों को सहूलियत मिलेगी।